कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा के सभी जिलों में अब धारा 144 लागू होगी। इसके तहत 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन भंडारण क्षमता का ब्यौरा मांगा है, साथ ही सख्ती के साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। इसके अलावा विज ने कहा कि सभी जिलों में डायल 112 की 20-20 गाड़ियां भेजी जाएंगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हम आभारी हैं केंद्र सरकार के कि उन्होंने हमारी मांग पर हरियाणा का ऑक्सीजन का कोटा 162 MT से बढ़ाकर 232 MT कर दिया। हम शीघ्र उसको हरियाणा में लाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा प्रयास है कि हम उसको एयरलिफ्ट करके हरियाणा में ला सकें, ताकि हरियाणा के लोगों को उससे जल्दी राहत मिल सके। सर, डायल 112 भी अभी शुरू ना हुआ हो, लेकिन एम्बुलेंस की जितना कमी है उसको किस तरीके से पूरा करेंगे? मैंने आदेश दिए हैं कि हर जिले को डायल 112 की 20-20 गाड़ियां दे दी जाएं, ताकि वहां पर वो एम्बुलेंस का काम कर सकें। हमारे पास डायल 112 की काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं और उनमें स्ट्रेचर की भी व्यवस्था है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विज ने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल कोरोना केयर केंद्र बनाए जा रहे हैं, साथ ही इनमें चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल महाविद्यालयों में पढ़ रहे करीब 1400 PG और MBBS अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को तुरंत जिलों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मेडिकल संघ से भी चिकित्सक भेजने की अपील की गई है। मैंने सभी उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि वो बेड कैपेसिटी बढ़ाएं अपने अपने ज़िले में, अतिरिक्त व्यवस्था करें, किसी बैंक्वेट हॉल में करें, किसी स्कूल में करें, किसी धर्मशाला में करें, किसी होटल में करें, और उसके लिए हमें स्टाफ की भी ज़रूरत है। मैंने IMA से भी अपील की है कि वो भी कुछ डॉक्टर्स पेयर करें, और जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं या MBBS के सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी हमने लगभग 1400 के करीब हैं, उनकी भी हमने सभी जिलों में ड्यूटियां लगा दी हैं, ताकि उन अस्पतालों को चलाया जा सके। विज ने कहा कि सभी DC अपने जिलों में जिला स्तरीय कोविड निगरानी समिति का गठन करें। इसमें विभिन्न विभागों सहित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में उपचाराधीन मरीजों के प्रत्येक दूसरे दिन घर पर जाकर जांच कराने की व्यवस्था करें, उन्हें दवाइयां, आयुष किट और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं, साथ ही मरीजों को नियमित परामर्श के लिए चिकित्सकों के नाम एवं फोन नंबर अखबारों में प्रकाशित करवाएं।